सोसाइटी गोलकोंडा पीएस लिमिट्स में एक रॉबरी हुआ है, उसमें चार ऑफेंडर्स, उसमें क्राइम ऑफेंडर है हरीश, उसके साथ वेंकटेश, सुशांत और दूसरा अभिषेक सिंह, ये चार लोग मिलके दो गाड़ी में आके सकुबाई सोसाइटी के करीब में एक लॉरी ड्राइवर को मार के धमका के उनकने से उनका वैलेट, उनका मोबाइल और उनका सिल्वर चेन, गले में जो चेन था वो स्नैच करके ले गए। ये देख के बगल में है सो दूसरे कोई ड्राइवर आके उसको रोकने की कोशिश करे तो वो ड्राइवर्स को भी दो लोगों को मार के उनके पास भी एक मोबाइल फ़ोन छीन के लोग भाग गए वहाँ से। उसके बाद में इमीडिएटली फिर जाके वो जो ड्राइवर इनको अपोज करके रेसिस्ट किया उसको मारने के लिए दो और लोगों को इनके साथी को बुला के पूरे छः लोग फिर वहाँ पर आके कुछ गड़बड़ करके वहाँ से भाग गए। तो इसी इंसिडेंट करीब रात में 2:30 बजे हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली हमारे पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जो उनका क्राइम स्टाफ है पूरे मिलके 24 आवर्स में डिटेक्ट हुआ केस है। पूरे लोगों को अगले दिन पूरा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट करके प्रोसीडियर्स कॉल लेटर वो सब एस्टैब्लिश करके इन चार लोगों को अरेस्ट करे उसी दिन। बाकी का उसके थोड़ी देर के बाद और दो लोग जो विशाल और विवेक इनके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। पूरे छः लोगों का जुडिशियल कस्टडी को इन छः लोगों को भेजा गया है। इसमें दो लोग जो हरीश और अभिषेक सिंह है इनके पुराना इनका हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री। और इसमें अभिषेक मालूम हो रहा है कि ऑलरेडी 3 केसेस में इन्वॉल्व है। एक उसने गांजा बेचने का केस एक्साइज वाले इनके खिलाफ रजिस्टर करे सर। उसके अलावा हरीश के खुद मालूम हुआ कि इन्फॉर्मेशन के जरिए कि 13 केसेस में वो भी इन्वॉल्व है। 13 केसेस इसी तरह के केसेस है, स्नैचिंग और एक्सट्रॉशन के केसेस, वो भी वेरीफाई करके पूरा ये जितना भी मटेरियल अवेलेबल है रिमांड के समय कोर्ट को पेश करेंगे इन्वॉल्व है। उसके बाद में वो लोग दो दूसरा ड्राइवर बगल में ऐसे ड्राइवर जो अपोज करे देख के उसको फिर रोकने की कोशिश करें उनको मार के चले गए। तो ये जो ड्राइवर अपोज किया उसको फिर डराने के लिए फिर और दो लोगों को ले गया। तो वो दो उसमें इन्वॉल्व है, वो फोन उनके पास था वहाँ पे सो रिसीवर ही हो रहा है, उसके वजह से उसको रिसीवर दिखा रहे। कई कैमराज तो नैनो सेकंड के कैमराज काफ़ी तर काम कर रहे हैं, कई जगह काम भी नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से कम्युनिटी कैमराज भी करीब 60% तक काम कर रहे हैं।